हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज हम गॉस सिडल मेथड देखेंगे। गॉस सिडल मेथड से कैसे आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में गॉस जैकोबी मेथड देखा था, कैसे गॉस जैकोबी मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। उसमें तीन स्टेप्स थे। पहला स्टेप था डायगनली डोमिनेंट फॉर्म में इक्वेशंस को करना होगा। सेकेंड स्टेप था इक्वेशंस को फाइंड आउट करना होगा वेरिएबल्स के लिए। एंड थर्ड स्टेप था इटरेशंस का। फ्रेंड्स, इसमें भी हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, लेकिन वैल्यूज कैसे पुट करनी होगी इटरेशंस में वो थोड़ा सा अलग है इस केस में, इस मेथड के केस में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सॉल्व द लीनियर सिस्टम ए एक्स इक्वल्स टू बी गिवेन बिलो बाय गॉस सिडल मेथड। आपको इस फॉर्म में एक क्वेश्चन गिवेन है, मतलब इक्वेशंस गिवेन है, जिसको आपने सॉल्व करना है गॉस सिडल मेथड से, राउंडेड टू फोर डेसिमल प्लेसेस। लेकिन जो राउंड ऑफ करना होगा वो फोर डेसिमल प्लेसेस तक करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे इक्वेशंस देखिए। यहाँ वेरिएबल्स हैं पहली इक्वेशन में x1, x2 एंड x3, लेकिन ये इक्वेशंस कितनी है, फोर इक्वेशंस है। फोर इक्वेशंस हैं तो आप चार वेरिएबल्स इसमें होने ज़रूरी हैं। तो देखिए यहाँ पे, अगर पहली इक्वेशन में फोर्थ वेरिएबल नहीं है तो कोई बात नहीं, नीचे वाली वेरिएबल में होना चाहिए, या हो सकता है किसी और इक्वेशन में हो, किसी और इक्वेशन में हो। लेकिन अगर चार इक्वेशन तो चार ही वेरिएबल्स होंगे। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के अंदर फोर वेरिएबल्स हैं एंड इसमें भी फोर वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हम उनको डायगनली डोमिनेंट फॉर्म में लेके आएंगे। तो इस इक्वेशंस के लिए डायगनली डोमिनेंट फॉर्म क्या होगी, देखिए पहले x1 का कोएफिशिएंट पहला होगा एंड x2 का ये एंड ये थर्ड एंड ये लास्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या ये ट्रू है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, वन प्लस टू करते हैं, तो टेन तो ग्रेटर है उससे, तो ये अपनी सही प्लेस पर है। सेकेंड, इस वाले एलिमेंट के लिए वन थ्री एंड वन, इनको हम ऐड करेंगे तो भी ये इससे छोटा ही रहेगा, तो ये भी अपनी सही प्लेस पर है। अब x3 के एलिमेंट के लिए, तो x3 का जो कोएफिशिएंट है वो 10 है, इसको करते हैं ऐड 2, 1 एंड 1, तो ये भी नहीं हो रहे हैं बड़ा, तो ये भी अपनी सही प्लेस पर है। ऐसे ही x4 के कोएफिशिएंट के लिए जो कि है 8, इस केस में भी ये सही है। तो हमारी इक्वेशंस तो अपनी सही प्लेस पर है। अब इसके बाद हमने वेरिएबल्स के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं। तो वेरिएबल्स की इक्वेशन निकालते हैं। पहली वेरिएबल के लिए पहली इक्वेशन लेंगे, यहाँ पे x1 है, x1 के लिए जो टर्म्स हैं ये राइट साइड चली जाएंगी, साइन चेंज हो जाएंगे इनके, एंड ये 10 इसके मल्टीप्लाई में आ जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ऐसे ही आपने x2, x3 एंड x4 के लिए इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स, ये इक्वेशन 2 आ गई है हमारी x2 के लिए एंड ये है इक्वेशन 3। ऐसे ही आपने x4 के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं इक्वेशन 4। तो हमारी चारों ही इक्वेशंस आ गई हैं। जो लास्ट स्टेप था वो है इटरेशंस परफॉर्म करने का। तो इटरेशन वन क्या होगी, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सबसे पहले आपने वेरिएबल्स की वैल्यू इनिशियल लेवल पे जीरो पुट करनी होगी हर एक इक्वेशन में। तो पुट करते हैं वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो। तो यहाँ पे हमने लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है, पुट एक्स वन इक्वल्स टू जीरो, एक्स टू इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स थ्री इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स फोर इक्वल्स टू जीरो इन द इक्वेशंस। तो इक्वेशंस जो है वन टू एंड थ्री एंड फोर उसमें पुट करते हैं और फर्दर इटरेशन वन के लिए एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन है, वैल्यू पुट करेंगे तो आया 6/10, मल्टीप्लाई करने पर आएगी वैल्यू 0.6। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा है कि फोर डेसिमल प्लेस तक उसको चाहिए वैल्यू। यहाँ पे हमने डेसिमल के बाद चार प्लेसेस लिखी हैं। तो x1 की वैल्यू आई 0.6000। ऐसे ही हमने इक्वेशन 2 के अंदर वैल्यूज पुट करनी है 0000। लेकिन इस केस में हमने ये पिछली वीडियो में किया था, हमने गॉस जैकोबी में देखा था कि सेकंड के लिए भी आपने जीरो ही पुट करना है, लेकिन इस केस में आपने नहीं करना है ऐसा। इसमें क्या करना होगा, x2 इक्वेशन के लिए, x2 की जो इक्वेशन है उसमें अभी हमने x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो x1 की वैल्यू, न्यू वैल्यू हम पुट करेंगे।
लेकिन बाकी की वैल्यू जीरो ही पुट होगी। तो फ्रेंड्स इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है, इस मेथड में न्यू वैल्यू आपने पुट करनी होगी। तो x टू 1 की हम x1 के लिए हम न्यू वैल्यू पुट करेंगे एंड बाकी के लिए जीरो है जीरो। तो सॉल्व करते हैं, वैल्यू आएगी 2.32727। यहाँ पे इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर लेंगे तो 3272 यहाँ पे राउंड ऑफ होगा तो क्या हो जाएगा वैल्यू 3। तो ऐसे हमारा ये x2 की वैल्यू आ गई है। अब x3 इक्वेशन के अंदर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या करेंगे, x1 और x2 की वैल्यू न्यू वैल्यू पुट होगी एंड x4 के लिए तो वही वैल्यू रहेगी। अब x3 के लिए यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी है x1 की 0.600 एंड x2 के लिए 2.3273 एंड x4 के लिए तो जीरो ही। तो वैल्यूज हमने सॉल्व करके आया हमारे पास -0.9873। तो ये हमारी आ गई x3 की न्यू वैल्यू। अब इन तीनों की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो पुट करते हैं तो सॉल्यूशन आएगा 7.0308/8। तो वैल्यू आई 0.87885, राउंड ऑफ कर लेंगे तो वैल्यू हो गई 0.8789। फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के लिए आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है एंड एग्जाम में भी आपको अलाउ होगा कैलकुलेटर ले जाना। तो जितने भी वैल्यूज़ हैं वो आप कैलकुलेटर से ही निकालें। तो यहाँ पर ये चार वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है, इन चारों वैल्यूज़ को पुट करेंगे इटरेशन टू में। तो इटरेशन टू के लिए वही हम स्टेटमेंट लिख लेंगे कि x1, x2, x3 की हम वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशंस के अंदर। तो हमारे पास x1 की न्यू वैल्यू होगी इटरेशन टू की, तो यहाँ पे हमने डिनोट किया हुआ इटरेशन टू के लिए 2। पुट करते हैं वैल्यूज़, तो हमारे पास वैल्यू आई 1.0302। यहाँ पे भी हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया है। अब जो सेकेंड इक्वेशन है उसके लिए अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी x1 की न्यू वैल्यू हम पुट करेंगे ना कि पुरानी वैल्यू। तो देखते हैं पुट करके, तो यहाँ पर हमने x1 की न्यू वैल्यू पुट करी है 1.0302 एंड x3 एंड x4 के लिए तो इटरेशन 1 वाली ही वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करके वैल्यू आई 2.0369। अब x3 इक्वेशन के लिए हम फर्स्ट टू जो न्यू वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज़ हमने पुट कर लिए हैं x3 इक्वेशन के अंदर, x1 x2 की वैल्यू नई वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे और बाकी x4 की तो पुरानी वैल्यू पुट होगी। तो हमारे पास आया ये x3 के लिए वैल्यू। अब x4 इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो x4 के लिए भी हमारी वैल्यू आई 0.9844। यहाँ पे भी हमने इसको राउंड ऑफ किया है। तो फ्रेंड्स अभी आपकी इटरेशन 2 की वैल्यूज़ आ गई हैं। अगर आप मैच करेंगे इटरेशन 1 की वैल्यूज़ को इटरेशन 2 की वैल्यूज़ से तो अभी भी वो वैल्यू सेम नहीं आई है। तो हम इसको आगे और कंटिन्यू रखेंगे इटरेशंस को जब तक वैल्यू सेम ना आ जाए पिछली इटरेशन से। तो हमारी न्यू वैल्यूज आई इटरेशन 2 के लिए, यहाँ पे हमने इटरेशन 2 के लिए यहाँ 2 डिनोट किया है x के लिए सारी वैल्यूज x1, x2, x3, x4। तो ये 4 वैल्यूज हमारी इटरेशन 2 की आई हैं। अब इन्हें हम पुट करेंगे इटरेशन 3 के लिए। तो इटरेशन 3 में वैल्यूज पुट करते हैं तो x1 की इटरेशन 3 की वैल्यू आएगी 1.0066। यहाँ पे हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया है तो वैल्यू ये आई। इसके बाद x2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब x2 इक्वेशन के अंदर x1 की न्यू वैल्यू पुट होगी। तो ऐसे ही फ्रेंड्स जो आपकी न्यू वैल्यूज आती जाएंगी आप वो पुट करते रहेंगे। तो x2 के लिए यहाँ पे इक्वेशन ये थी, पुट करने पर वैल्यू आई 2.0035। फ्रेंड्स यहाँ पे सॉल्यूशन ऐसे करना होगा आपने क्लियरली ताकि वो दिखे अच्छे से कि 25 + 1.0066 एंड यहाँ पर इसका साइन चेंज हुआ है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा एंड इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हुई है तो वैल्यू आई x2 की। अब x3 एंड x4 के लिए वैल्यू पुट करते हैं लेकिन x1 और x2 की न्यू वैल्यू पुट होगी। तो अब हमारी x3 की न्यू वैल्यू आई है -1.0025। यहाँ पे हमने x1 और x2 के लिए न्यू वैल्यू पुट करी एंड x4 के लिए तो इटरेशन 2 वाली वैल्यू पुट करी। तो हमारे पास तीन वैल्यूज़ आ गई हैं, इन तीन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे x4 के लिए, x2 की पुट करेंगे एंड x3 की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो x1 का कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो पुट करते हैं वैल्यूज़, वैल्यू आएगी। तो फ्रेंड्स हमारे पास x4 की इटरेशन 3 के लिए वैल्यू आई 0.9984। तो ऐसे ही हमारी ये 4 वैल्यूज़ आ गई हैं इटरेशन 3 की x के लिए।
इन चारों वैल्यूज को आप मैच कीजिएगा इटरेशन टू की वैल्यू से, ये अभी भी सेम नहीं आई है, तो हम इटरेशन फोर भी करेंगे। तो इटरेशन फोर देखते हैं, तो इटरेशन फोर के लिए वैल्यूज हैं, इटरेशन वन के लिए एक्स वन की वैल्यू आई 1.009, यहाँ पे भी हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया है डिवाइड करने के बाद, तो एक्स वन की वैल्यू आई 1.009। फिर यहाँ पे देखिए एक्स वन की जो न्यू वैल्यू है इटरेशन फोर के लिए, वो अभी शुरुआत में तो सेम हो रही है लेकिन एंड में अभी सेम नहीं है, तो इसको हम आगे एक और बारी करेंगे। तो इटरेशन फोर के लिए एक्स टू की वैल्यू आई 2.003, यहाँ पर भी हमने एक्स वन के लिए न्यू वैल्यू पुट करी है, एंड एक्स थ्री एंड एक्स फोर की वैल्यू तो पुरानी ही पुट होगी। अब ऐसे ही एक्स थ्री एंड एक्स फोर के लिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एक्स थ्री इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो एक्स थ्री की न्यू वैल्यू आई -1.003, ये हमारी एक्स थ्री की न्यू वैल्यू है। अब एक्स फोर के लिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एक्स फोर के लिए हमारी वैल्यू आई पुट करने पर 0.4×9, तो वैल्यूज पुट करने के बाद वैल्यूज आ गई हमारी एक्स इटरेशन फोर की, ये चार वैल्यूज आई है। अभी भी हमारी ये वैल्यू सेम नहीं आई है इटरेशन थ्री के वैल्यूज से, तो हम इटरेशन फाइव भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इटरेशन फाइव। इटरेशन फाइव में वैल्यू आई है एक्स वन के लिए 1.4×0, तो फ्रेंड्स ये वैल्यू आई हमारी। अब देखिए यहाँ पे पिछली वैल्यू में दो जीरो थे, फिर उसके अगली वैल्यू में तीन जीरो हुए, अब चार जीरो हो गए, तो देखिए सारी वैल्यू खत्म हो गई है पीछे से। तो अगर हम इसे सॉल्यूशन को देखें तो ये ऑलमोस्ट हमारा फाइनल सॉल्यूशन होता जा रहा है। अब देखते हैं बाकी की वैल्यूज मैच करती हैं कि नहीं करती हैं। वैल्यू टू हमारी आई 2.4×0, इसमें भी हमारी जीरोज और बढ़ गए हैं, तो अगर आप इन्हें आगे करेंगे तो देखते हैं वैल्यूज क्या आती हैं। तो एक्स थ्री के लिए वैल्यू हमारी आई -1.4×0, एंड सारे ही जीरो हो गए हैं, नॉन जीरो वैल्यू सारी खत्म हो गई हैं, तो एक्स थ्री के लिए वैल्यू भी ऐसे ही आई जीरोज में। अब एक्स फोर के लिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एक्स फोर के लिए वैल्यू आई 1.4×0, तो जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो हमारे ख़त्म हो गए हैं, सारे जीरो हो गए हैं, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो ये वैल्यूज हमारी फाइनल वैल्यूज हैं एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री के लिए और एक्स फोर के लिए। तो फ्रेंड्स आपने ऐसे गॉस सिडल मेथड से वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो ध्यान रखिएगा गॉस जैकोबी और गॉस सिडल मेथड में कैसे आपने वैल्यूज पुट करनी होगी इटरेशंस में, सिर्फ उसमें इतना ही फर्क है कि उसमें सारी इटरेशंस की वैल्यू पुट करते हैं लेकिन इस केस में आपने जो न्यू वैल्यू आती जाएगी वो पुट करनी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।